हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रल में कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल कैसे ज्ञात करना है, उनके फार्मूला और उनके यूजेस देखेंगे। तो यहाँ देखें सभी छात्र, ये कुछ फार्मूला हैं, इनको सभी बच्चे नोट कर लें और हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि इनके बेस्ड आधारित क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये आपको 6 फार्मूले दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको नोट कर लें। अब इनको अप्लाई करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहां देखेंगे कि प्रश्न दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 3x² / x^6 + 1 (dx) इसको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना x³ = t, तो dt कितना हो जाएगा आपका 3x² (dx). तो यह इंटीग्रेशन मान किसके बराबर आ जाएगा, dt / t² + 1। अब इसमें हम इस फार्मूले को हमने नोट किया है, ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला नंबर 3 का यूज करेंगे। तो आप यहां देखिए कि यहां a का मान कितना दिया हुआ है, (1)²। तो इस फार्मूले को पुट करिए तो क्या आ जाएगा, a का मान 1 है तो यह हो जाएगा 1/1 tan²t/1 + c। इसके बाद हम क्या करेंगे, t का मान वापस रिप्लेस कर देंगे तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स, और t कितना माना था हमने, x³ + c। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अभी हमने जो 6 फार्मूले बताए थे उन्हीं को अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन में कैसे इनको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको यह क्वेश्चन दिया है, हमको इसमें 1/√1 + 4x²dx इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो हम यहां देखते हैं कि 1/4 को बाहर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 1/2² + x²√। और यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम कंपेयर करते हैं, यहां पर a का मान कितना है, यहां पर 1/2। तो इस फार्मूला को पुट कर दीजिए, यहां फार्मूला ये दिख रहा है, कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, फार्मूला नंबर 6। तो हम यहां देखते हैं वन बाय टू कॉमन निकल गया, log(x)² + √(x)² + a²। ए स्क्वायर कितना है अपना, यहां पर 1/2² + c। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। हमने यहां पर फार्मूला नंबर 6 को पुट किया है। और यहां पर a का मान कितना दिया हुआ था, a का मान यहां पर 1/2 है, इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान 1/2 दिख रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9(25x²)·dx। तो हम यहां पर 25 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/5 कॉमन आ जाएगा और √1/√3/5² - x²·dx। तो हम यहां देखते हैं कि इसमें फार्मूला नंबर 5 यह पुट होगा, और यहां पर एक 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 कितना दिख रहा है, एक का मान
थ्री अपॉन फाइव, तो इसका मान साइन इनवर्स, और यहाँ 1/5 पहले से है, और एक्स अपॉन ए, ए कितना है 3/5 प्लस सी, ये कौन सा नंबर है, फॉर्मूला फिफ्थ से। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल कर लीजिए, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, यह आपका आंसर हो गया।